नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हर मौसम की कुछ खासियत होती है और सर्दियों की खासियत है उनकी सब्जियां और सब्जियों से बनने वाली डिशेस। तो आज ऐसी ही एक डिश मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो है उत्तर प्रदेश से, मेरे देश से, निमोना। जी हाँ, यूपी में अगर आप जाएंगे ना तो सर्दियों में निमोना हर एक घर में जरूर से बनता है। अब ये निमोना क्या है, कैसे बनेगा, क्या क्या इसके नुआंसेज हैं, क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स, चलिए देखते हैं बिल्कुल गांव वाली निमोने की रेसिपी। अगर आपको हमारा चैनल और हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज कौन सी आ गई। निमोना के लिए ये कच्चे मटर 2 तरीके से यूज होंगे। एक थोड़े से होल रखेंगे, बाकी को हम क्रश कर देंगे। ये बेसिकली मटर की ही करी बनती है जिसमें आलू भी पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं निमोना बनाना। निमोना बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें सरसों का तेल डाल के आलू के थोड़े से वेजेस जो हमने काटे हैं ना उसे शैलो फ्राई कर लेंगे। बेसिकली ये निमोना के साथ पकेंगे, इसलिए इसे एक हल्का सा क्रिस्प ब्राउन टेक्सचर देना है और फिर उसे निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप, चटनी। अब निमोना में जो चटपटी चटनी बनती है वो बनती है धनिया, जिसमें धनिये की जो रूट या स्टेम होती है उसे भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हल्के पानी के साथ बढ़िया से पीस लीजिए। उसी मिक्सर जार में जो मटर हमने छीले हैं उन्हें भी पीस लिया जाएगा। बेसिकली निमोना पिसे हुए मटर या मटर के कीमे से बनाया जाता है। अब जिस पैन में आलू हमने तले थे उसमें से थोड़े से सरसों के तेल को निकाल लेंगे एक साइड पे। यहां पर अब इसे भूनना शुरू करते हैं। और बाकी के सरसों के तेल में लगाएंगे तड़का। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं इसमें जीरा, खड़ी लाल मिर्च, हींग। अब इस तड़के के बाद इसमें जाएगी चटनी जो हमने पीसी थी। इस चटनी को थोड़ा सा पकाना है और साथ ही में पकाना है चॉप किए हुए टमाटरों को। अब एक बार ये दोनों चीजें पक जाएं, फिर इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं नमक, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। यहां पर अब इसे भूनना शुरू करते हैं। अब बेसिकली भैया सर्दियों में अगर निमोना नहीं बनाया तो क्या बनाया है ना। निमोना मतलब मटर का कीमा, बढ़िया टेस्टी वाला। अब यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए कीमा जो है वो पिस चुका है, चटनी हमें यहाँ पे भून दी है, टमाटर भून दिया है। अब कीमे को बढ़िया से भूनना है। अब भूनना इसलिए है क्योंकि मटर जो है वो कच्चा था, है ना। वो मटर को पकाना बहुत ज़रूरी है। सरसों के तेल में जो चरमराहट आती है उसी से तो आता है वो बढ़िया टेस्ट। अब वो जो है यहाँ पर अब इसे भूनना शुरू करते हैं और जो हमने जो होल मटर रखे थे ना वो भी डाल देंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी। फ्राई किए हुए आलू,
वैसे कुछ लोग निमोना में वड़ियाँ भी डालते हैं, वही वड़ियाँ जो हम आलू वड़ियों के साथ बनाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत यूनिक टेस्ट आता है, क्योंकि ये यूपी में कई जगह बनाई जाती है, कई घरों में बनाई जाती है, इसलिए काफ़ी घरों में अलग अलग रेसिपीज़ यूज़ होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आलू बड़ा काट के डाला है, कुछ जगहों पर छोटा जाता है, मैंने वैसे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा आलू फ्राई करके रखा है गार्निश के लिए, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ऊपर ऊपर से आएगा, खाने में बड़ा मज़ा आएगा, अंदर भी आलू है, मटर अच्छे से बढ़िया से मज़ेदार चटपटे हो जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। निमोना एकदम बनके तैयार है, अब इसे सर्व किया जाए। साथ में मैंने बनाए हैं तिकोने पराठे, उसके साथ इसे डिबो के खाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे मेरे पास तिकोने पराठे हैं, आप पूड़ी बना लीजिए, गर्मा गर्म घी वाले चावल बना लीजिए, फुलके बना लीजिए, निमोना तो सर्दियों में किसी के साथ भी जाता है। मज़ेदार निमोना तैयार है, आप निमोना बनाइए, समझ रहे हैं ना, नमूना नहीं, निमोना बनाइए, बहुत टेस्टी डिश है, और खाएंगे ना तो उंगली चाटते रह जाएंगे मेरी तरह, सही में। गो ट्राई इट, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।